हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज की क्लास में हम 1 से 10 दिसंबर 2018 तक के 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आज के समय बहुत भारी लेवल पर पूछे जाते हैं। चाहे आने वाला केवीएस हो, एस्टेट हो, एसएससी या बैंकिंग, एनडीए या सीडीएस, यूपीएससी या फिर दूसरे एग्जाम, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये पोर्शन समय समय पर मजबूत करना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए आज की क्लास में जो टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में सतत जल प्रबंधन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर पहला इंटरनेशनल सम्मेलन आयोजित किया गया है? आंसर होगा ए, मोहाली। क्वेश्चन नंबर दो, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, यह पुणे के अंदर आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल कार्बन परियोजना के मुताबिक विश्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितने परसेंट तक बढ़ गया है? 2.7% तक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्चतम कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? यहाँ आपका आंसर चाइना रहेगा। निम्नलिखित में प्रतिभागियों में से किसे मिस वर्ल्ड 2018 के रूप में ताज पहनाया गया है? आपका आंसर होगा ए, वेनेसा पोंस डी लियोन, मैक्सिको की है, और इन्हें यह ताज पिछले साल की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड 2018 भारत की मानुषी चिल्लर द्वारा पहनाया गया है। क्वेश्चन नंबर छह, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अक्षेत्रीय सहयोग यानी सारक के लिए दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1985 में। किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने टेलकम पाउडर के उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी कि इसके प्रयोग से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है? कनाडा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आठ, गोल्फ में एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट को जीतने वाला सबसे छोटा भारतीय बनने का रिकॉर्ड किसके नाम गया है? शुभंकर शर्मा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ, दिसंबर 2018 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित में से कौन से ग्रुप ने तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कटौती करने पर फैसला किया, सहमत हुआ है? दोस्तों, ओपेक ही होगा। ओपेक ही दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास तेल के उत्पादन और तेल के निर्यात की पूरी जिम्मेदारी है। बी इज राइट आंसर। ओपेक का हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? वियना में इसका हेड ऑफिस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय जौ वर्ष मनाया जाएगा? 2023 में। डी आंसर होगा। राष्ट्रीय भूमिका के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कोच पुरस्कार 2018 प्राप्त किया? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किसे 7 दिसंबर 2018 को अगले मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को, और इन्होंने अरविंद सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया है। ए इज राइट आंसर। किस देश ने 8 दिसंबर को श्रमिकों की कमी के कारण अधिक ब्लू कॉलर विदेशी श्रमिकों को इजाजत देने के लिए कानून बनाया है? जापान। बी इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के दूर संचार संस्थान के अनुसार 2018 में कितने प्रतिशत जनसंख्या ऑनलाइन है? ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा, 51.2। दोस्तों, आज की वीडियो में ये करंट अफेयर्स थी, और हम सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल प्रिंटिंग फॉर्म में हर घर तक पहुंचाते हैं। ऑल इंडिया में बाई कोरियर आप इसको मंगवा सकते हैं। प्रिंटिंग फॉर्म है, बढ़िया इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, और आप लोगों को कहीं भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और आने वाले एग्जाम आपके लिए अच्छे जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। जिन साथियों को सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करनी है ई बुक के रूप में, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप लोग उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम और अपना एग्जाम लिख के व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया सामने 8447410108 के ऊपर भेज दें, ताकि डे टू डे की जानकारियां हम आप लोगों के साथ साझा करते रहें। आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।